नाजरीन, इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड इंडिया को 6,000 करोड़ रुपया देता है जबकि पाकिस्तान को सिर्फ 900 करोड़ रुपये मिलते हैं। नाजरीन, अब आप अंदाजा लगा लें कहां 900 करोड़ रुपये और कहां 6,000 करोड़ रुपये। नाजरीन, ICC 40% आमदनी इंडिया को देता है, बाकी आमदनी दूसरे ममालिक में बांटी जाती है। ये कितनी बड़ी नाइंसाफी। नाजरीन, मैं आप लोगों को बताता चलूंगा ऐसा क्यों किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ICC जितना भी पैसा कमाता है इन पैसों में तकरीबन 39 to 40% पैसा इंडिया को दे देता है, जो कि अमाउंट बनती है $231 मिलियन। अगर आप इनको पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करें तो ये 6,000 करोड़ रुपया बनता है। ICC अपनी आमदनी में से 6,000 करोड़ रुपया सीधा इंडिया को दे देता है, फिर दूसरे नंबर पर वो देता है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को मिलते हैं सिर्फ 6% हिस्सा, 6% हिस्सा बनता है 1,000 करोड़ रुपए। नाजिन, किधर इंडिया 39% हिस्सा और किधर ऑस्ट्रेलिया 6% हिस्सा। नाजिन, फिर तीसरा नंबर आता है इंग्लैंड का। इंग्लैंड को भी 6% हिस्सा दिया जाता है, जो अमाउंट बनती है 1,000 करोड़ रुपया। ऑस्ट्रेलिया को भी 1,000 करोड़ रुपया मिलते हैं और इंग्लैंड को भी 1,000 करोड़ रुपया मिलते हैं, जबकि इंडिया को मिलता है 6,000 करोड़ रुपया। 6 गुना ज्यादा पैसे मिलते हैं। नाजिन, चौथा नंबर आता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान को मिलता है 5% हिस्सा, जो कि 900 करोड़ रुपये बनते हैं। नाजिन, पाकिस्तान को ICC अपनी कमाई से देता है 900 करोड़ रुपये और इंडिया को देता है 6,000 करोड़ रुपये। नाजिन, फिर इसी तरह 5% के नीचे 4%, 3% न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और इसी तरह की टीमों में बांट दिया जाता है। जो सबसे ज्यादा दिया जाता है वो इंडिया को, फिर ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, फिर चौथे नंबर पर पाकिस्तान। नाजिन, इसके पीछे वजह है। वजह क्या? वजह यह कि ICC इंडिया से सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। नाजिन, जो ICC है इसका 70 to 80% क्रिकेट का पैसा इंडियन मार्केट से आता है, क्योंकि इंडिया की आबादी ज्यादा है। नाजिन, जब कोई भी ICC का इवेंट होता है तो इंडिया से ज्यादा लोग इवेंट को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि इंडिया की आबादी 1 अरब से ज्यादा है। तो नाजिन, इसलिए जब इंडिया से ज्यादा पैसा आ रहा है तो फिर पैसा जाएगा भी इंडिया की तरफ ज्यादा। इसलिए आप देखते हैं कि हर टूर्नामेंट में इंडिया को फेवर किया जाता है, ICC हमेशा इंडिया की साइड लेता है। नाजिम, बेशक एक जगह पर इंग्लैंड हो और दूसरी जगह पर इंडिया हो तो ICC इंडिया की साइड लेगा। पाकिस्तान का तो चलो वैसे ही इंडिया के साथ हालात खराब रहते हैं, तो आप इंग्लैंड की मिसाल ले लें, एक तरफ इंडिया हो तो एक तरफ इंग्लैंड हो तो ICC इंडिया की साइड लेगा, क्योंकि 70 to 80% बजट इंडिया से आ रहा है। इसलिए इंडिया फिर 6,000 करोड़ रुपये ले भी रहा है। अगर इंडिया के साथ फेवर हो रही हो और आपके मुल्क के साथ नाइंसाफी हो रही हो तो चुप करके बर्दाश्त कर लिया करें। नाजिन, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।